हेलो गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्र, मानसरोवर विद्याविहार पूना गांव सूरत। मैं वर्षा संगीता बहन कक्षा 7 सब्जेक्ट संस्कृत। तो विद्यार्थी मित्रों देखो, 1 से 4 एक हमने पढ़ लिया, उसका स्वाध्याय भी कर लिया। अभी 5वां एकम जो आया है, 5वां एकम का नाम क्या है? योजक हो तत्र दुर्लभ हो। योजक हो यानी आयोजक, तत्र यानी वहाँ पे, दुर्लभ हो यानी मुश्किल है। आयोजन करना रज मिलना यहाँ पे मुश्किल है। तो कहाँ इस कहानी में, उस पाठ में ऊँट की कहावत है ना, ऊँट के अड्डा रंग टेढ़े। यहाँ पे ऊँट जो है, ऊँट सब में दोष देखता है। ऊँट कहता है कि कहा गया है कि मेरा पूरा शरीर का अंग टेढ़ा है, तो क्या मैं ही ऐसा प्राणी हूँ जिसमें मेरा जो 18 अंग तक ऐसा टेढ़ा है? क्या दूसरे पक्षी पशु पक्षियों में नहीं? और ऐसे मन में सोच के वो कहीं कहीं जिसको भी देखते हैं उसमें वो गलतियाँ ही निकालते। तो उसी तरह ये पाठ में खुद का दोष नहीं देखते, लेकिन दूसरों का दोष देखने में कोई कोई लोग भी ऐसे होते हैं, वो भी माहिर होते हैं। तो उसी तरह ये ऊँट जो है, ऊँट कहता है कि मेरा सभी अंग टेढ़ा है, तो क्या मैं ही ऐसा प्राणी हूँ कि मेरे में ही, मुझ में ही इतनी खामी है, कोई दूसरा और नहीं है? फिर एक दिन वो जंगल में घूमता है, घूमते घूमते एक पेड़ के ऊपर एक डाली पर एक तोता बैठा हुआ दिखाई देता है। ऊँट तोते को देख के रुक जाता है और बोलता है, पोपट पोपट यानी तोते तोते, तेरी चंच तो टेढ़ी है। पोपट शर्म अनुभवता है और ऊँट हंसता है और आगे चला जाता है। फिर चलते चलते रास्ते में ऊँट को एक कुत्ता मिलता है। कुत्ते को देखकर ऊँट कहता है, हे कुत्ता, तेरी पूंछ टेढ़ी है, बाकी है। कुत्ता भी शर्म अनुभवता है, ऊँट हंसता है और आगे चला जाता है। उसी तरह जाते जाते रास्ते में एक बगुला नदी के किनारे पे दिखाई देता है। वहाँ पे पहुँच जाता है और बगुले को देख के फिर कहता है, बगुला बगुला, तेरी डोक तो टेढ़ी है। बगुला उस बात पे ध्यान भी नहीं देता और ऊँट भी वहाँ से चुपचाप चला जाता है। फिर उसके बाद एक लोमड़ी मिलती है रास्ते में।
लोमड़ी तो नाम ही लोमड़ी है, वो चालाक कितनी है वो तो सबको पता है कहानी में। रास्ते में ऊँट को पूछती है, ऊँट भाई कैसे हो आप, आपका स्वास्थ्य तो बराबर है ना। तो ऊँट कहता है स्वास्थ्य तो बराबर है किंतु दूसरा कोई कोई अन्य तो हो अच्छा नहीं है। तो फिर लोमड़ी बोलती है क्यों क्या हुआ। फिर कहते हैं, फिर ऊँट बोलता है तोते की चंच टेढ़ी है, कुत्ते की पूंछ टेढ़ी है, बगुला की डोग टेढ़ी है, तो फिर मुझे ही क्यों कहते हैं। तो फिर लोमड़ी ने कहा सुन, तोते की चंच टेढ़ी है किंतु वो मनुष्य की भाषा बोल सकता है, कुत्ते की पूंछ टेढ़ी है किंतु वो लोगों का स्वामी भक्त है, वफादार है, और बगुले की डोक टेढ़ी है किंतु उसकी एकाग्रता प्रचलित है। तो आप भी सर्व अंग में टेढ़ा ही है किंतु आप भी तो रण प्रदेश का राजा है, ऐसी बात सुन के उसकी चच्चू पूंछ डोक उसका भी कुछ ना कुछ प्रयोजन है, वो निर्थक नहीं है। फिर उसे समझ में आ जाता है कि मेरा जो अंग टेढ़ा है तो वो भी काम का ही है, हमें किसी की गलती निकालनी चाहिए नहीं। तो देखो विद्यार्थी मित्र, उसमें हम देखते हैं, अभी हम पढ़ते हैं और आगे की ओर देखते हैं। देखो योजक हो तत्र दुर्लभ हो, योजक हो यानि आयोजन, आयोजक करना करने वाले, तत्र यानि वहाँ, दुर्लभ हो जो आयोजन करते हैं वहाँ वो मिलना मुश्किल होता है। यहाँ पे देखो एक हो उष्ट्र हो अस्ति, एक हो यानि एक, उष्ट्र हो यानि ऊँट, अस्ति यानि है, एक ऊँट है, उष्ट्र हो स्वभावेन वक्र हो अस्ति, उष्ट्रेन स्वभाव, ऊँट का स्वभाव कैसा है बच्चों, ऊँट का स्वभाव वक्र हो यानि वाका टेढ़ा ही है। सह सर्वदा दशम एव पश्यति, सह यानि ते, सर्वदा यानि सब में, दशम यानि गलतियाँ ही देखते हैं, पश्यति यानि देखते हैं ढूंढते हैं। एकदा सह वने अटति, एकदा यानि एक बार, सह यानि ते वो वने यानि जंगल में, अटति यानि घूम रहे थे। मार्गे सह वृक्षस्य उपरि, मार्गे सह यानि रास्ते में उसे वृक्ष के ऊपर, एक पेड़ के ऊपर, एकम सुकम, एक सुकम यानि तोता, पश्यति यानि दिखाई देता है। कहाँ पे, वन में,
घूमता है। घूमते घूमते रास्ते में एक बड़ा पेड़ है। पेड़ की डाली पे एक पोपट दिखाई देता है। उष्ट्रोह सुकाय कथयती, उष्ट्रोह यानी ऊँट, सुकाय यानी तोते को, कथयती यानी कहता है। ऊँट तोते को कहता है, हे सुकोह, हे तोता, तव चच्चुः वक्रः अस्ति। तव यानी तेरी, चच्चुः यानी तेरी चंच, चंच, वक्रः अस्ति यानी तेरी है। सुकोम, सुकोह लज्जा मनुभवति, तो फिर सुको क्या करते हैं, पोपट तोता लज्जा में यानी शरम अनुभवता है। उष्ट्र हो हसती अग्रे चलती, ऊँट हंसता है और आगे आगे की ओर चलता है। फिर मार्गे है सह कुकरम पश्यति, रास्ते में चलते चलते उसे एक कुत्ता मिलता है। मार्गे यानि रास्ते में, सह यानि उसे, कुकरम पश्यति एक कुत्ते को देखता है। उष्ट्रोहो यानि ऊँट कुकराय कथयति, ऊँट कुत्ते को कहता है, हे सुकुकरम, हे कुत्ता, तव पुच्छम वक्रम अस्ति। तव यानि तेरी पूछ टेढ़ी है। कुकर हो लज्जा अनुभवती और कुत्ता शरम अनुभवता है। उष्ट्र हो हसती ग्रे चलती, ऊँट तो हंसता है पर आगे चलता है। ऊँट को पता है उसकी पूछ भी बाकी है, तोते की चांच भी बाकी है, बगुले की गर्दन भी बाकी है, तो किसी न किसी में भी दोस्त देखता है कि मुझ में ही क्यों दोस्त देखते हैं, सब में भी तो दोस्त है, तो उसे उसका भी कुछ न कुछ अंग वाका है, तो उसे क्यों नहीं कहते, मुझे ही क्यों कहते हैं। और वो ऊँट चलते चलते हंसते हंसते आगे की ओर चला जाता है। फिर आगे रास्ते में मार्गे बक अस्ति, जाते जाते रास्ते में बक यानी बगुला, अस्ति यानी है। बकम दृष्ट्वा उष्ट्रः वदति, बगुले को देख के, दृष्ट्वा यानी देख के, उष्ट्रः यानी ऊँट वदति ऊँट कहता है, तव ग्रीवा वक्रा अस्ति, तव यानी तेरा, ग्रीवा यानी तेरी डोक, गर्दन, वक्रा यानी वाकी है। बकह उष्ट्रम प्रति पश्यति अभिन, बगुला ऊँट की ओर, प्रति यानी तरफ, ऊँट के तरफ, पश्यति यानी देखता, ओपिन देखता भी नहीं, उसकी परवाह भी करता नहीं, वो बोलता है तो उस पर ध्यान ही नहीं देता। फिर ऊँट हंसता है और आगे चलता है। चलते चलते रास्ते में उसे श्रृंगारलोह मिलती, रास्ते में कौन मिलते बेटा, पहले वन में घूमते घूमते रास्ते में एक पेड़ के ऊपर के डाली पे एक तोता दिखाई देता है। उसे कहता है कि तोता तोता तेरी चच्चू टेढ़ी है। फिर उसे रास्ते में एक कुत्ता मिलता है, कुत्ते को कहता है कि कुत्ता कुत्ता तेरा पूंछ वाकी है। फिर उसके बाद रास्ते में एक बगुला मिलता है, तो बगुले को कहते हैं कि बगुले बगुले तेरी गर्दन बाकी है। उसके बाद आते हैं घूमते घूमते और रास्ते में आगे चलते हैं, मार्गे श्रृंगालोह मिलती,
और रास्ते में क्या कौन मिलता है बेटा? श्रृंगाल हो यानी लमड़ी। लमड़ी तो चालाक है। लमड़ी की कहानी भी सुनी होगी। लमड़ी कैसी है? श्रृंगाल हो पृछते पर लमड़ी पूछती है सिया ऊँट से, ऊँटरो भ्रात हो ऊँट भाई कथम अस्ति, कथम यानी कैसा है, स्वास्थ्यम समीचीनम वा, स्वास्थ्य समीचीनम वा यानी बराबर है, आपकी तबीयत ठीक है, आपका स्वास्थ्य ठीक है। उष्ट्रः वदति पर ऊँट उसे जवाब देता है स्वास्थ्यम समीचीनम, किंतु स्वास्थ्य तो बराबर है, तंदुरुस्त तो हूँ, किंतु अन्यतः किमपि समीचीनम नास्ति, किंतु यानी परंतु, अन्यतः कहीं और, किमपि यानी कहीं भी, समीचीनम यानी अच्छा, नहीं नास्ति यानी नहीं, सुकस्य चच्चुः वक्रा, कुकरस्य पुच्छम वक्रम, बकस्य ग्रीवा वक्रा। फिर उठ क्या कहते हैं वो लमड़ी को, सुकस्य चच्चु वक्रा यानि तोता की चाँच वाकी है, कुकरस्य पुच्छम वक्रम यानि कुत्ते की पूँछ वाकी है, बकस्य ग्रीवा वक्रा और बगुले की गर्दन वाकी है। किसे कहते हैं? लमड़ी को। तो लमड़ी उसे समझाती है कि सब कुछ अच्छा है लेकिन दूसरा कोई अच्छा नहीं। तो क्या क्या अच्छा नहीं, लमड़ी पूछती है। तो कहते हैं तोता की चाँच वाकी, कुत्ते की पूँछ वाकी और बगुले का गर्दन वाका, तो ये सब क्या है? फिर लमड़ी कहती है श्रृंगाल हो वदति, लमड़ी कहती है सुकस्य चच्चुः वक्रा किंतु सह मनुष्य वाणी वक्तुम शक्नोति, तोता की चाँच वाकी है किंतु सह यानि ते मनुष्य वाणी, मनुष्य की भाषा, मनुष्य जैसी भाषा वक्तुम यानि बोल सकते हैं। कुकरस्य पुच्छम वक्रम किंतु सह स्वामी भक्त हो, कुत्ते की पूँछ वाकी है किंतु सह स्वामी भक्त हो अस्ति, ते स्वामी भक्त है। बकस्य ग्रीवा वक्रा किंतु बकस्य यानी बगुले की गर्दन बाकी है किंतु तस्य एकाग्रता प्रचलित है। अभी देखो लमड़ी ने क्या सीख दी, कैसे समझाए वो ऊँट को कि तोते की चच बाकी है किंतु वो मनुष्य की भाषा बोल सकते हैं, कुत्ते की पूँछ वाकी है तो वो लोगों का स्वामी भक्त कहलाता है, वफादार कुत्ता कहा जाता है, और बकस्य ग्रीवा वक्र बगुले का गर्दन वाकी है किंतु उसकी एकाग्रता भी प्रचलित है। भवतः सर्वाणि अंगानि वक्राणि सन्ति किंतु भवान मरुभूमिः मूर्खः अस्ति, आप भी आपका सर्व अंग भी, सर्वाणि यानि सर्व अंग, अंगानि यानि सर्व अंग शरीर के अंग, वक्राणि टेढ़ा है, सन्ति यानि है किंतु यानि परंतु, भवान मरुभूमिहान रूपः अस्ति किंतु आप भी, भवान यानि आप, मरुभूमि यानि रण प्रदेश, नृपः यानि राजा, अस्ति यानि है,
आप भी रण प्रदेश के राजा कहलाते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ से हम नए एकम को ये वीडियो को जो भी पढ़ा उसे संस्कृत में समझाया मैंने, उस संस्कृत में लिखना भी है, उसका अनुवाद भी करना है। और यहाँ से बाकी है जो अगले पीरियड में हम ऐसे ही वीडियो लेके आएंगे, तब तक हम छुट्टी लेते हैं। वस्तु उसे लिखना है, कॉपी में भी लिखना है, याद भी करना है।